IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान का 3 अरब डॉलर का कर्ज मंजूर कर दिया। आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाय मायटी की मंजूरी दे दी, जिसके बाद फौरी तौर पर 1.2 अरब डॉलर की किस्त पाकिस्तान को अदा कर दी जाएगी। इलामी के मुताबिक स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को अगले 9 माह में 3 अरब डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान को बाकी फंड 2 हिस्सों में जारी किए जाएंगे। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। साल 2023-24 में मुआशी सरह नमो 2.5% रहने का इम्कान। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी मंथली 5% रही। हुकूमत ने गुज़िश्ता GDP ग्रोथ और 0.3% रहने का दावा कर दिया। IMF का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि साल 2024 में बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% आ जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज मुल्तान का एक रोज़ा दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ज़ेर तमीर निश्तर सुकाचू का दौरा भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बहाउद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी मुल्तान के जाएंगे, जहां वो यूथ लॉन और लैपटॉप की तकसीम के हवाले से तकरीब करेंगे। शहबाज शरीफ बहाउद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी मुल्तान में तकरीब से खिताब करते हुए उनके हमराह वफाकी गुज़्ता और दीगर हुकाम भी शिरकत करेंगे। चेयरमैन PTI को एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली से इकतदार पर बिछाया। 9 मई मुल्की तारीख से आखिरी दिन था। जिम्मेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद शहीन चौक फ्लाईओवर का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा कि अवामी तरक्की के मनसूबे का संग बुनियाद रखने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। 12 को फ्लाईओवर का तालुक नहीं इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से है। इसी माह के इख्तिताम पर 12 को फ्लाईओवर का इफ्तिताह होगा। भारतीय आदि जा रही जारी। झंडा सिंहवाला के मकाम पर दर्शन देरे देहात जेरे आब आ गए। देहात अपने मतदान के तहत इलाकों का रुख करने लगे। अगले 24 से 48 घंटों में रियासत से झंडा सिंहवाला में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मतवे। भारत से आने वाला 1,85,000 क्यूसी का सैलाबी रेला जसड़ से शाहजहा लाहौर की जानब बढ़ रहा है। सैलाबी पानी से राबी किनारे छत्तीसगढ़ के सरहदी इलाकों में फसलों को नुकसान पहुँचा। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा। 13 जुलाई 1931 को डोगरा फोर्सेज ने अजान देने पर फायरिंग से 22 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। 13 जुलाई को मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 1931 के जालमाना वाक़े की याद में यौम शहदाए कश्मीर मनाया गया। इस रोज़ मुजाहरीन अब्दुल कदीर खान के खिलाफ नाजायज रियासत मुकदमे की समाप्त के मौके पर इकट्ठे हुए थे। जोहर के वक्त मुजाहरीन के अजान देने पर पुलिस ने गोली मारकर मौजिन को शहीद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपडेट रहने के लिए देखते रहिए KN News।